हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसने बोनस दिया है, ओके, और बोनस की एग्जिट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करेंगे, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। बट बिफोर दैट, आगे बढ़े वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इस वीडियो को लाइक करें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज से हमने एक मुहिम शुरू करी है, किससे रिलेटेड, तो देखिए मैं अपने चैनल से शुरू करने वाला हूँ। तो देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारे इष्ट देव श्री राम जी का यहाँ पर मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो ये मेरे आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर जितना भी चाहे, जितने डोनेशन हो सके आप डोनेट कर सकते हैं। यहाँ ये इसकी साइट्स है, ओके, यहाँ पर साइट पे आप जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर आप बाई UPI एज वेल एज, अगर हम बात करें, ये अकाउंट नंबर है, ओके, ये डायरेक्ट उन्हीं के उसमें अकाउंट में जाएगा, उनके यहाँ पर देख सकते हैं आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उन्हीं का ये अकाउंट है, ओके। मेरा इससे कुछ रिलेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे इष्ट देव है, ओके, श्री राम जी का वहाँ जन्मभूमि पे मंदिर बन रहा है, तो आप सभी को डोनेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ओके, हमारे पूर्वज है वो, तो जाके आप वहाँ पर इस लिंक पे या बैंक अकाउंट के थ्रू या UPI ID को स्कैन करके आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है जो उसके लिए। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो आपको 0 ड्यूली चार्जेस फ्री में डीमैट अकाउंट आपको दे रहा है। एज वेल एज अगर बात की जाए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था बिग चांस इन IRCTC स्टॉक, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चलेगी, ओके। तो आपको बताना चाहता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर ने एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, पब्लिक ने यहाँ पर भर भर के माल उठा लिया है और ये शेयर भागने वाला है, ओके, इस बस थोड़ा सा टाइम और जा रहा है, तो इस शेयर की तरफ इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो सबसे पहले न्यूज़ दिखा देता हूँ, देखिए 20 आज ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखते हैं बोनस अदर बिजनेस मैटर्स से उनके जो इशू हुआ, तो 18 तारीख को एक बार उन्होंने बताया था एक कि हमारे हम बोनस दे सकते हैं, तो बोनस ऑब्वियसली बात है दे दिया गया है, ओके। 24 तारीख मतलब यहाँ पर बोर्ड मीटिंग हुई थी कंपनी की, उन्होंने अनाउंस कर दिया है बोनस। और रिकॉर्ड डेट कब है, तो रिकॉर्ड डेट है 4th ऑफ फेब 2021। तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ओके। 365 पे शेयर चल रहा है, लगभग 1% की गिरावट हमें एक उस दिन के दिखाई दी है। बट अगर हम और सारे के सारे पैरामीटर अगर चेक करते हैं ना, सारे पैरामीटर्स पे कंपनी खड़ी उतरती है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, तो कंपनी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पहली बात बता दे रहा हूँ। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जरूर पूछ लीजिएगा, खुद की स्टडी जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपसे, ओके, पर शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट वो रिकमेंड कर रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइज़र वाला। तो देखिए, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, क्योंकि हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, बट चार्ट पैटर्न के साथ साथ वॉलेटिलिटी जरूर देख लीजिए, ओके। और किस चीज़ से रिलेटेड ये शेयर है, तो ये बता देता हूँ, ये है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शेयर, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शेयर है। एज वेल एज अगर मैं इसकी बात बताऊँ, तो देखिए कंपनी जो काम करती है एक्सप्रेस वेज बनाने में करती है, नेशनल हाईवेज बनाने में करती है, फ्लाई ओवर्स को बनाती है, बजट एंड बायरक्स सॉरी ब्रिज एंड बायरक्स को बनाती है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में काम करती है, अर्बन डेवलपमेंट में काम करती है, कमर्शियल एंड रेजिडेंस प्रोजेक्ट्स में। तो कंपनी मल्टी मल्टी टास्क मतलब मल्टी डोमेन में काम करती है, मल्टी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, और जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया बनने जा रहा है, तो इसमें इस शेयर को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, ओके, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके इससे में भी आएगा, कुछ ना कुछ ऑर्डर इससे भी मिलेंगे, और बहुत अच्छी इसकी ऑर्डर बुक भी है, तो इसलिए इस शेयर की तरफ आप ध्यान बना के दे सकते हैं। और जैसे कि चार्ट पैटर्न हमने देखा है, काफ़ी अच्छा इनका चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। और हम अगर बात करें यहाँ पर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए 55.03% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और बाकी पब्लिक की भी है, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है, और कंपनी हर बार देखें यहाँ पर आपको डिविडेंड भी देती आई है कुछ पैसों का। अगर हम बात करें शेयर गिरवी की, तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एज वेल एज अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 52 वीक लो की बात करें तो 171 26 मार्च को था, और अभी 52 वीक हाई 14
ऑफ जैन को ही 387 पर बनाया है इसने, और लगभग 50% की यहाँ पर आफ्टर द न्यूज़ यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई हमें देखी गई है। तो इस शेयर की तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें इसके रिटर्न्स की, तो देखिए एक दिन को छोड़ के सारे पैरामीटर पे, मतलब सारे के सारे पैरामीटर से कंपनी ने आपको अच्छे रिटर्न दिया। और जो इसने लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है इस कंपनी में, तो 10 साल में 1084.27% के रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिए है, जो कि एक तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न्स ही कहा जाता है। और कंपनी पहली बार आपको बोनस देने जा रही है, ओके। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी बोनस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड तो देख हर साल देती देती है, एज वेल एज बोनस इस बार देना शुरू जा रही है। और स्प्लिट की बात की जाए तो 13 दिसंबर 2016 को देखिए 10 रुपये की फिर से यहाँ पर स्प्लिट भी हुआ है। और एज वेल एज बात की जाए राइट इशू, तो राइट इशू अभी तक कंपनी लाई नहीं है। और अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ओके। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, 5122 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। पी रेशो भी ज़्यादा नहीं है, 24.6 का पी है। आरओसीई लगभग 20% का है, जो ठीक ठाक है, बट 30% होता तो और अच्छा होता। और अगर हम बात करें तो देखिए डेट भी रिड्यूस करते हैं, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो देखिए सेल्स देखिए कंटिन्यू 2007 से सेल्स बढ़ते ही हुए ही आपको नज़र आ रहे हैं। बस थोड़े 2019 में यहाँ पर 2019 में मार्च में 716 करोड़ के सेल्स थे, उसके बाद थोड़ी गिरावट दिखाई दी, फिर उसके बाद मार्केट कंपनी ने जंप लगाई थी, बट स्टिल यहाँ पर कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से कंपनी अभी गिरती हुई नज़र आई। बट जिस तरीके से अभी मेक इन इंडिया एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा देश गौर फरमा रहा है, तो देखिए 601 करोड़ रुपए का सितंबर में दिखाई दिया है, और ये आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगभग 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, ओके, जो कि ठीक ठाक है। अगर प्रोफाइल प्रॉफिट एंड लॉस की ईयरली बेसिस पे बात करूँ, तो कंपनी के जो सेल्स है 2009 में 650 करोड़ रुपए के थे, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी लगभग 2314 करोड़ रुपए के हो गए, जो कि पिछले 12 महीने की सेल्स है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो नेट प्रॉफिट देखिए बढ़ता हुआ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर अभी थोड़ा कम है, क्योंकि अब जैसे जैसे इनका वर्क शुरू हो रहा है, जैसे जैसे मैं जो मैं आपको बता चुका हूँ मेक इन इंडिया एज वेल एज कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बैक टू द प्लेटफॉर्म आ गया है, ओके, बैक टू द ऑपरेशन आ गया है, तो आपको नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर जंप होती हुई नज़र दिखाई देगी। एज वेल एज यहाँ के कुछ बैलेंस शीट की बात कर ले, तो देखिए रिजर्व्स कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, ओके, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और लगभग 1685 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है, जो कि हर साल में सबसे ज़्यादा है। बोरिंग की बात की जाए, तो बोरिंग पहले देखिए कितने करोड़ रुपए की थी, 231 करोड़ रुपए की मार्च 2020 तक थी, जो कि सितंबर में उन्होंने 57 ओके करोड़ रुपए पे ला दिया है। और अभी अभी दिसंबर की अगर यहाँ पर अपडेट होगा, तो पता चलेगा कि यहाँ पर जैसे कि ऊपर दे रखा डेट फ्री है, तो शायद डेट फ्री हो सके। इन्वेस्टमेंट की भी बात की जाए, 352 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए, तो लगभग 39 करोड़ रुपीज़ का कैश इक्विवेलेंट है। टोटल एसेट भी देखिए हर साल बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। कैश फ्लो भी कंपनी के पास इस बार काफ़ी अच्छा, 394 करोड़ रुपीज़ का कैश फ्लो है। अगर हम बात करें आरओसी की, लगभग 20 का आरओसी है। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, तो लगभग प्रमोटर्स का सेम 55.03% की हिस्सेदारी है, जो कि हर पिछले 2-3 साल से सेम ही है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी बात करें, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने 1% से अपनी हिस्सेदारी कम करी है, बट स्टिल दे आर प्लेइंग अ रोल इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 1.53% की शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉरेन इन्वेस्टर्स की है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, तो देखिए 34.28% की हिस्सेदारी है, जो कि बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। और अगर बात करूँ, तो देखिए HDFC, ICICI, ओके, L&T, फ्रैंकलिन, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, UTI, एक्सिस, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस, तो मतलब देखिए सभी की हिस्सेदारी इस कंपनी में है। और गवर्नमेंट पब्लिक के पास भी देखिए 9.16% की हिस्सेदारी पब्लिक ने भी इसमें लेके रख रखी है। तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बोनस आपको अनाउंस कर दिया गया है, और डेट जो मैंने आपको बताई है 4th of February 2021 तक आपकी इसकी एक्स डेट है, तो यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इस शेयर के लिए अगर आपको बोनस चाहिए तो। बट आपको बताना चाहता हूँ, बोनस डिविडेंड या इसके पीछे चलती हुई गाड़ी में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप अगर चलती हुई गाड़ी में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट होने का आपका हमेशा डर लगा रहेगा। बट जैसे कि हम इसका परफॉर्मेंस देख रहे हैं,
मैक्सिमम भी देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है जो कि मुझे लग रहा है। और चार्टर पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, बट छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, वॉलेटाइल टाइल कंपनी है, बट कुछ फैक्टर है जो इसके पक्ष में है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी और मेक इन इंडिया के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पे गौर फरमाया जा रहा है, और जो बजट 1 तारीख को आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान दिया जाएगा जो मुझे लगता है। तो इसलिए इस शेयर की तरफ आप नज़रें बना सकते हैं। तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको ज़रूर पूछ लीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते आपसे दोबारा यहाँ पर मंदिर बन रहा है जैसे श्री राम जी का, तो इसके लिए आप अगर डोनेट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जो कि आपको सीधे इनकी साइट्स पर ले जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए UPI ID के या फिर अकाउंट के थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।